मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज मैं किसके साथ हूँ? विद माई फ्रेंड हर्ष। हर्ष मेरे दोस्त हैं और ये शिमला से हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं सुंदरनगर। इन्होंने मेरे को रात को इन्फॉर्म किया कि हमने इवेंट पे जाना है, तो फिर हम ये महान आत्मा मुझे बोलते 7 बजे आ जाना, और अपने आप आ रहे हैं 8 बजे, 8:30। वाह हर्ष जी, बिजी बंदे हैं भाई इनकी, मतलब अब मैं क्या तारीफ करूँ इनकी। ये तारीफ बटोरते हैं हर जगह से, तो चलो तारीफ के लायक भी हैं। अभी हम पहुँचते हैं सुंदरनगर। अभी हम फिलहाल निकले ही हैं शालाघाट से, थोड़ा आगे मैं आपको दिखाती हूँ। चेक द लोकेशन गाइस, काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये। शालाघाट से दारला वाला रोड है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन बीच बीच में देती रहूँगी। बस कितने हमारे को कितना टाइम लगने वाला है? 2 घंटे के आसपास लग जाएगा। सुंदरनगर पहुँचने में अभी 2 घंटे लगे जाएंगे। हम गाने सुनते सुनते अपना सफ़र काट ही लेंगे। आज सिर्फ हम दो हैं, नहीं तो और लोग क्यों नहीं आए हमारे साथ? मतलब कल पहुँच गए हैं और इवेंट अभी स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे के आसपास। इवेंट पे जा रहे गाइस हम, बड़े बंदे। अरे कहना क्या चाहते हो? बड़े बंदे हैं, इवेंट पे जाते हैं। ओके, तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी दारला घाट। यू कैन सी इन्होंने इतनी तेजी से उड़ाई है गाड़ी की, पूछो मत। चक्कर आ रहे हैं, ऐसे से हिल रहा है सब कुछ। ये है हमारा दारला घाट, मतलब अच्छा एरिया है। ऊपर को अंबुजा सीमेंट की फैक्ट्री है, जिसमें कुछ टाइम पहले भंसड़ हो गई थी, पर अभी सब कुछ नॉर्मल है, खुल चुकी है वो। यू कैन सी हियर अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री। आई थिंक अभी हमारे को 1.5 घंटा तो लगने ही वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा भी मैं बताऊँ। गाइस यू कैन सी इस रोड का पूरा ही पीछे से ख़राब हो चुका है हिसाब किताब, मतलब ऊपर से ये पूरा नीचे आ गया था, हमने अभी देखा। और आपको यहाँ की सिचुएशन बताएं तो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके बाद दूसरा फ़ोन भी है, वो क्यों नहीं दिखाते? बस एंड्रॉइड दिखाते रहते हैं, ये महंगे फ़ोन नहीं दिखाते हम, उससे अच्छा फ़ोन लेके घूमते हैं भाई, बड़े बंदे। अभी मतलब रोड ख़राब होने की वजह से हम जल्दी नहीं पहुँच पा रहे, और हमारे को 9:30 हो ही चुके हैं यहाँ पे। हम पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे हम। इनको फ़ोन के ऊपर फ़ोन आए जा रहे हैं कि कहाँ हो, कहाँ हो, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ भाई, गाड़ी है, एरोप्लेन थोड़ी है, क्यों? तो चलो चलते हैं, अभी काफ़ी लेट तो हो ही चुके हैं। गाइस अभी हम मंडी पहुंचने ही वाले हैं, और यू कैन सी ये है नेपाल की गाड़ी, जो मुझे हर्ष जी ने बताया अभी। नेपाल की गाड़ी है इनको, यू नो इनकी ट्रैवल एजेंसी है, तो इनको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता है, मुझे नहीं पता। नंबर देख सकते हो आप किस तरीके का है, मैंने खुद ही पहली बार देखा, तो आप भी देख ही लो जब आप हमारे साथ। नेपाल के बंदे वैसे भाई, मतलब इंडिया में तो मैक्सिमम नेपाली है ही है हर जगह, क्या बोलते हैं? पास नहीं देंगे आज हमें, पर हर्ष दिन से पास लेके ही रहेंगे। इन्होंने जिस तरीके से अपनी गाड़ी 100 की स्पीड में दौड़ा के रखी है, और ये हम इनको पीछे छोड़ते हुए, वाह वाह क्या बात है। बस पहुंचने वाले हम, मनाली जा रहे हैं घूमने, समझ रहे हो? नेपाली हम कब जाएंगे मनाली? समय की तो हमारे पास थोड़ी सी दिक्कत है। तो गाइस हम सुंदरनगर पहुंच चुके हैं, एंड अभी हम पता नहीं किसको लेने जा रहे हैं कि क्या है, अब हमने कुछ लोगों को लेके जाना है अपने साथ। लेट्स सी कि कौन है, मैं कभी नहीं मिली हूँ शायद उनसे, या मिली भी हूँ मेरे को याद नहीं रहता अक्सर। लेट्स सी कौन है वो। नेपाली गाड़ी भी जा रही है गाइस, अभी से वो ठीक लिया। तो हियर वी गो, कोई तैयार हो रहा है मे बी, लेट्स सी। तो गाइस जिनके लिए हम रुके थे वो थोड़ा लेट हो जाएंगे, तैयार हो रहे अभी। सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदे नहीं करते किसी की तारीफ, पर मैं आपकी कर रही हूँ, पर मैं आपकी कर रही हूँ, क्योंकि जो है वो तो है ही। चलो अभी चलते हैं मंडी की तरफ। गाइस हियर वी गो, यू कैन सी सुंदरनगर रे, और अभी हमारे को कुछ टाइम लगने ही वाला है। सुंदरनगर सिर्फ नाम का ही सुंदरनगर नहीं है गाइस, सुंदरनगर सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब शाम के टाइम आप यहाँ का व्यू देखोगे ना इस वाली साइड से, बहुत प्यारा व्यू आता है।
गाइज अभी हर्ष गए हैं मोमेंटोज लाने, क्योंकि जो इवेंट है ना वो आपको तो बाद में पता चलेगा, पर इवेंट के मैनेजर यू नो मैनेज करते हैं टीम वो ये हैं, और अभी ये ट्रॉफीज लाने वाले हैं। यू कैन सी ये लेके आ गया भरा डब्बा। काम ही बहुत ज़्यादा है, बिजी पर्सन यू नो, मेरी तरह निठल्ले तो नहीं है इवन। और अभी देखते हैं इवेंट में क्या क्या होता है। इवेंट तो आपको वहीं जाके पता लगेगा कि किस चीज़ का इवेंट है, तो मैं सबसे मिल रहूँगी आपको। ओके, बनी रहो मेरे साथ। तो गाइज अभी हम थोड़ा ऑफ रोडिंग के लिए आ चुके हैं, यू कैन सी। अभी पता नहीं कौन आने वाला है हमारे साथ, कौन आने वाला है। सामान आ रहा है, सिर्फ सामान आ रहा है गाइज, कोई नहीं आ रहा है, सामान ही भरे जा रहे हैं हम जब से आए हैं। बस यहीं पे ही हमें वो सामान मिलने वाला है। लेट्स सी कि क्या सामान है। यू कैन सी, हाय शालू दी, ये हमारे को सामान देने वाले हैं गाइज। और कैसा सामान है हमें कुछ पता नहीं है। देखते हैं। हम शालू जी के घर पहुंच चुके हैं। ये बोल रहे हैं अभी अभी मेरी शक्ल पे मत जाना। अब देखते हैं क्या बनता है, क्या देने वाले हैं आप हमें। गाइस ने अपना बिल्कुल चेंज कर लिया है सब कुछ। क्या कहना चाहेंगे, ये मंत्री लग रहे हो भाई। मंत्री लग रहे हैं, वोट एंड स्पोर्ट। अरे रोड तो आपने ठीक नहीं करवाए हैं, पैसा नहीं सरकार। अरे हमसे ही पैसा खाती है और सरकार के पास ही पैसा नहीं है, हद है। अभी शालू दीदी तैयार हो रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं हम कि जब जैसे वो तैयार होंगे। वैसे तो उन्होंने लेट ही आना था, पर हमने बोला कि हमारे साथ चल पड़ो तो होटल में कहीं तैयार होंगे। फिर अभी वो तैयार हो रहे हैं और उनको लेके हमने निकलना ही है। गाइस मैंने आपको बताया था कि लड़कियों के चौंसले, एंड यू कैन सी कि इनको कितना टाइम लगने वाला है। मैम कितना टाइम लेंगे और आप? 5 मिनट्स। ये हमारे को कभी बोल रहे हैं 2 मिनट, कभी 5 मिनट, इनका टाइम ही फिक्स नहीं हो रहा, इनकी घड़ी इनको सही टाइम नहीं बता रही है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे। लेट्स सी कि क्या अभी ये हमारे मंत्री जी करोड़ों का बैग इन्होंने उठा लिया है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। वन खोखा इनके बैग में। कब निकाल रहे हो उस पैसे को? अभी आपने बोला आपके पास पैसे ही नहीं और करोड़ों रुपए लेके जा रहे हो। अभी डिस्कवरी खरीदने जा रहे यस शालू मैम तैयार हो जाए तभी तो आगे का काम हमारा चलेगा ना। तो चलो गाइस चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ। गाइस हम निकल चुके हैं इनके घर से, शालू दीदी के घर से, पर अभी कौन कौन आ रहा है, एक तो फोटोग्राफर आ रहा है और एक दो लोग और आ रहे हैं। गाड़ी में हमारी जगह नहीं है, यू कैन सी। इनको मत देखो यार, तुम नजर लगा रहे हो, ये क्या बदतमीज़ है। ठीक है अभी हम जा रहे हैं, हम इस लोकेशन पे हैं। अभी हमने पानी भी मंगवाया था, पानी आ चुका है। अभी देखते हैं क्या बनता है। गाइस अब हम अपनी लोकेशन पे जा रहे हैं और यहाँ कौन मिला हमें? अरे भाई भाई भाई, मिले हम बहुत समय बाद। किधर से जाएंगे? बस अभी बताता हूँ, वो सामान का है। इसको देख लो आप ध्यान से, ये बहुत बड़ा डांसर है, DID में जाने वाला है गाइस। चल मिलते हैं। चलो तो अभी हमारे को कितना टाइम लगने वाला है? 5 to 7 minutes में हम वहाँ पहुँचेंगे। One more छपरी का in the house। बढ़िया, तू सुना? क्या मैं सेक्सी लग रहा हूँ दोस्तों? कमेंट करके बताइए। बाबूराव का स्टाइल है, सुन ले। छपरी भाई। ठीक है। My brother, say your name। स्पंदन घले। स्पंदन, स्पंदन जी। हाँ जी। ये बहुत अच्छे डांसर हैं। धन्यवाद। मैं इनकी परफॉर्मेंस आपको जरूर दिखाऊंगी। धन्यवाद। बने रहे।